हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे आज एक प्रॉब्लम हो रही है और मेरे ख्याल से जितनी भी हाउसवाइफ हैं उन सबको रोज़ ये प्रॉब्लम होती ही होगी कि हम लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में क्या बनाएं। तो मैं काफ़ी देर से सोच रही थी क्या बनाऊँ, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। सब्जियाँ, हरी सब्जी बच्चे खाना नहीं चाहते, दाल वगैरह कितने बार और कब तक बनाती रहूँ। तो काफ़ी सोचने के बाद मैंने सोचा कि आज मैं बनाती हूँ पकौड़ों की सब्ज़ी और उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, झटपट से जल्दी बन जाएगी। तो चलिए पकौड़ों की सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए आइए बताती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, इसके लिए देखिए पहले मैं ये पेस्ट तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने ये दो प्याज लिए, मोटा मोटा चॉप कर दिया है, दो टमाटर मोटे मोटे चॉप किए हैं और ये दो तीन हरी मिर्चें। हरी मिर्चें अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हो तो बढ़ा सकते हो। अब मुझे इसका एक पेस्ट तैयार करना है, तो पहले इसको ग्राइंड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पकौड़ों की सब्जी बनाने के लिए देखिए मैंने ये मोटे वाला जो थोड़ा सा एक दरदरा वाला बेसन आता है ये लिया है और ये 250 ग्राम बेसन है। अब इसको हम इसका एक गाढ़ा सा घोल बना लेते हैं। देखिए ये हमने घोल अच्छा सा गाढ़ा सा तैयार कर लिया है और मुझे इसको रेस्ट पे रख के छोड़ना होगा कम से कम 20 मिनट, क्योंकि ये मोटा दरदरा बेसन है तो ये अच्छे से फूल जाए तब तक। तो इसको छोड़ देते हैं और आगे का प्रोसेस करते हैं। तो देखिए इसको रखे हुए 20 मिनट हो गए थे, उसके बाद मैंने इसको 5 से 7 मिनट तक बहुत अच्छे से फेंटा है। देखिए एकदम फ्लफी हो गया है, इससे हमारे जो पकौड़े वो काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक पकौड़े बनाने के लिए मैंने ये कढ़ाई ली है और ऑयल डाल दिया है इसमें और हीट भी हो चुका है। तो अब मैं इसमें पकौड़े ऐड करूँगी। हमें छोटे छोटे बेसन के बॉल्स बनाने हैं। तो देखिए अच्छे से फिटे होने की निशानी ये है कि सारा जो बेसन है वो ऊपर आके फूलना शुरू हो गया है और इसमें छोटे छोटे बबल्स आने लगे हैं, ये देख सकते हैं, ये एयर बबल्स हैं। इससे हमारे जो पकोड़े हैं बहुत ही अच्छे और फ्लफी बनेंगे। अब इनको थोड़ा सा बीच में करके खुद ब खुद घूम जा रहे हैं, इतने हल्के हो चुके हैं। और जब तक कि ये पकौड़े फ्राई होते हैं तब तक हम अपना मसाला। देखिए मैंने ये कढ़ाई ली है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल। ऑयल जाएगा कम से कम 2.5 टेबल स्पून। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच मेथी दाना, मेथी अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून भर के डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। कुछ सेकेंड भूनने के बाद अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा पानी। अब इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर, नमक 1.5 चम्मच
और इस सबको अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए मसाला अच्छे से भून गया है और अब इसमें मैं ऐड करूंगी ये जो मैंने प्याज टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार किया है, ये इसमें डाल देंगे। देखिए जार को अच्छे से खंगाल के इसमें ऐड कर देंगे, कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। और अब इस मसाले को हमें बहुत अच्छे से भून लेना है, जब तक इसकी अच्छी जो ये रॉ स्मेल है प्याज लहसुन वगैरह की ये ख़त्म ना हो जाए। तो इसको बहुत अच्छे से हम भून लेंगे। तो देखिए मसाला बहुत अच्छे से भून गया है, काफ़ी ऑयल सेपरेट हो गया है, इसे भूनते हुए भी मुझे कम से कम 6 मिनट से ज़्यादा हो गए। और एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, जब भी किसी भी चीज़ में हम प्याज का पेस्ट डालते हैं तो उसको भूनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्याज की जो स्मेल है वो इजीली जाती नहीं है। तो इसलिए अगर आपको लगे कि हाँ अच्छे से भून गया है, उसके बाद थोड़ा सा मसाला आप ज़रूर टेस्ट करें। तो जब लगेगा कि हाँ प्याज की टेस्ट जो है स्मेल जो है वो नहीं आ रहा है मसाले में, तो ये समझे कि आपका मसाला अच्छे से भून गया है। तो हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून गया है, उसके बाद भी मैंने इसे 30 सेकेंड और भून दिया है। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी पानी। पानी आप अपने हिसाब से ऐड करें, आपको जैसी ग्रेवी चाहिए हो। और पकौड़े जो है वो सारा जो ग्रेवी है वो सोख लेंगे, इसलिए मुझे थोड़ा पानी और डालना पड़ेगा। और अब वेट करते हैं इसका अच्छे से बॉयल आने का। तो देखते हैं ग्रेवी की क्या पोजीशन है। अरे वाह, तो बहुत अच्छा सा बॉयल आ रहा है। और अभी ये सारे पकोड़े मैं इसमें ऐड कर दूंगी, हमारे बेसन के बॉल्स। और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इस पॉइंट पे आप नमक भी टेस्ट करके देख सकते हैं, अगर ज़रूरत हो तो अभी भी आप डाल सकते हो। ये कसूरी मेथी, और फ्लेम कर दूंगी ऑफ क्योंकि हमें इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और इसको ढक के छोड़ देते हैं कम से कम 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं आपसे 10 मिनट बाद। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं इसको ऑफ किए हुए फ्लेम को, और अब देखते हैं क्या पोजीशन है। तो ये देखें काफ़ी ग्रेवी सोख ली है और एकदम गाढ़ी ग्रेवी हो गई है, और धीरे धीरे ये और सोखती चली जाएगी और बिल्कुल गाढ़ी ग्रेवी हो जाएगी हमारी। तो देखने में तो बहुत यम्मी लग रहा है। तो चलिए अभी इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए सब्जी तैयार है। तो ये रहा हमारी सब्जी का फाइनल लुक, हमारी डिलीशियस सब्जी बनके तैयार है। इसको आप रोटी के साथ, चावल के साथ, जिसके साथ भी खाएं, बहुत टेस्टी लगती है ये। ये इसका फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आसान और टेस्टी रेसिपीज के लिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी कुकिंग विद तरु। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।